नमस्कार, टाइम फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अनिश मिश्रा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी स्वास्थ्य विभाग की ओर से कांग्रेस भवन में एक बैठक आयोजित की गई। इसमें मुख्य रूप से कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार उपस्थित थे एवं कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर नयर सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। डॉक्टर अजय कुमार ने संगठन की मजबूती हेतु जरूरी दिशा निर्देश दिए एवं महागठबंधन के बारे में उन्होंने पूछने पर जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी के बारे में बताया कि काफी हद तक उन्हें मनाने में हम सफल हुए हैं एवं झारखंड की जनता की भी यही मांग है कि आने वाले चुनाव में भाजपा का हर हाल में सफाया होना चाहिए। तो आइए देखते हैं और क्या कुछ कहा डॉक्टर अजय कुमार ने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, तालियां और तालियां बजा के आपके प्रति सम्मान व्यक्त किया कि आपने बिजी शेड्यूल में से व्यस्त दिनचर्या में से समय निकाल के यहाँ आए। मैं समझता हूँ कि उतने ही सम्मान के हकदार ये सारे पब्लिक के बने, वो जनता विरोधी नीतियां है, तो इसलिए एक सरकार ऐसे बने, ऐसे सांसद चुने जो चुनकर जीत करके मशक्कत हो रही है। डॉक्टर अजय कुमार साहब का इस्तकबाल करें और उनके संबंधित घटक दल है, जो भी संबंधित घटक दल और एक कांग्रेस और कांग्रेस से संबंधित विचारधारा। हमने वामपंथी को भी ये जो है ऑफर दिया था, लेकिन लोकसभा में क्योंकि सीटें इतनी कम है 14, हमने कहा कि हम विधानसभा में आपको, तो उस बातें को हम रख करके कम से कम जो है एक ईमानदारी पूर्वक जो है कुछ नीतियां लाए जो डॉक्टर के हित में। जैसे एक हमारे एक साथी ने कहा था कि जो है जब से झारखंड बना तब से जो है डॉक्टर की वैकेंसी सैंक्शन ही नहीं हुई है। जब वैकेंसी सैंक्शन नहीं हुई तो पद तो बनाने का पद तो पद खाली होने की बात ही नहीं है जब सैंक्शन भी नहीं है। अब ये बात किसी को मालूम नहीं है या डॉक्टर की क्या परिस्थिति है PHC में, फिजियोथेरेपिस्ट का क्या परिस्थिति है, नर्स जो है झारखंड से जो पढ़ाई करके जो है सब प्लान हो रहा है जबकि नर्स के जो है अभाव। तो हमारा एक प्रयास है, अभी इसमें बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, पर मैं पूरा हमें पूरा उम्मीद है कि इनके जो जुझारू कमेटी के माध्यम से हम लोग स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी लोग हैं उनकी समस्या को आगे लाने में जो है हम लोग सफल हो जाए। एक वही पुराना सवाल है गठबंधन के स्वरूप को लेकर, काफी मशक्कत हो रही है, कब तक ये फाइनल होगा? देखिए एक चीज़, और बाबूलाल जी के जो नाराजगी है वो दूर करने में आप लोग सफल हुए कि नहीं? मुझे लगता है कि काफी हद तक सफल हो गए। मैंने सबको एक ही चीज कहा, झारखंड की जनता एक ही चीज की एक ही मांग है कि सभी विपक्षी दल जो है एक साथ रहकर के भाजपा को जो है कम से कम लोकसभा में पूरी तरह से सफाया कर दे झारखंड से और विधानसभा में भी सफाया कर दे। तो अब लड़ाई दो विचारधारा की, एक BJP के विचारधारा के लोग हैं और उनके संबंधित घटक दल हैं जो भी संबंधित घटक दल, और एक कांग्रेस और कांग्रेस से संबंधित विचारधारा। हमने वामपंथी को भी ये जो है ऑफर दिया था, लेकिन लोकसभा में क्योंकि सीटें इतनी कम है 14, हमने कहा कि हम विधानसभा में आपको एडजस्ट कर लेंगे, आप कुछ बात से वो सहमत नहीं, कुछ लोग उससे सहमत हैं, क्योंकि विधानसभा में हम ज़्यादा सीट देंगे जरूर वामपंथी को, क्योंकि वामपंथी दल के रहने से क्या है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से कम नीतियाँ में जो है पब्लिक के हित में जो है कुछ मुद्दे जरूर बढ़िया से उठा पाएंगे और जो इनपुट मिलेगा जो कांग्रेस का जो विचार है। तो सभी विपक्षी पार्टी को ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, और सर्वे जो आया सर्वे ने कहा कि 12 सीट तो आप जीतेंगे ही जीतेंगे अगर आप साथ हैं, 2 में जो है टक्कर है भाजपा की, 12 जो है UPA का गठबंधन वोट शेयर विधानसभा लोकसभा का जो, और जनवरी में जो सर्वे हुआ था 2-3 बड़े बड़े सर्वे और पोल एनालिस के द्वारा चुनाव से संबंधित विशेषज्ञ, तो हमारी बेवकूफ़ी होगी अगर हम साथ में नहीं हैं, अगर हमको अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के लिए इतनी जो है बुखार चढ़ गया तो वह दूसरी बात है, नहीं तो हम लोग को जो सोच समझ करके झारखंड के हित में झारखंड की मांगी और मैं पब्लिक की भी मांग समझता हूँ, तो अगर उसमें हमको कुछ कम करना पड़े किसी और को कुछ करना कम पड़े उसके लिए हम सब लोग त्याग के लिए तैयार हैं। तो क्या ये माना जाए जो वाम का चैप्टर क्लोज हो चुका है? नहीं, वाम का चैप्टर इसलिए क्लोज नहीं है क्योंकि वाम के कुछ क्योंकि लेफ्ट एक नहीं है, लेफ्ट में 5-6 फॉरवर्ड ब्लॉक है, मार्क्सिस्ट है, CPM है, MLA है, CPI CPM है, तो उसमें से कुछ लोग हमसे काफ़ी लोग संपर्क में है, तो
वो लोग सहमत है विधानसभा में ज्यादा सीट लेने के लिए, कुछ जमीन जो अगर दो में लड़ रहे हैं तो तीन मांग रहे हैं और उसमें हम एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन लोकसभा में तो आप जानते हैं ये चार ही तो 14 ही तो सीट है, अब उसमें जो है एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। तो गोड्डा में क्या होगा?